हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा दसवीं गणित अध्याय 8 है। पाठ का नाम आपका त्रिकोण विधि का परिचय है। एमसीक्यू फॉर्मेट हम आपको 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपको बताएंगे मोस्ट क्वेश्चन है कौन नहीं है। जो हम मोस्ट क्वेश्चन लगवाएंगे आपको, जो मोस्ट नहीं होगा उसको नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। तो हमको जो मोस्ट अच्छा लग रहा है तो इसलिए हमने आपको लगवाया। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण विधि अनुपातों को सह के पदों में व्यक्त करना है। जितने भी कोण ए के अन्य त्रिकोण विधि अनुपात बचा, तो मतलब 6 हो गया तो 1 5 बच गया, 5 अंक अपना सह में बनाना है। तो भैया जो आदिवासी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वार्षिक परीक्षा में भी आने के फुल चांसेस हैं। आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, एक लॉ तो है, बिल्कुल जी एक ही लॉ तो है, मतलब एक ही क्वेश्चन है पूरे पार्ट में, मतलब पूरे अध्याय में। ऐसा ये कोण एक अन्य त्रिकोण अन्य त्रिकोण के अनुपातों को सह के पदों में लिखे, मतलब ऐसे अलग और टाइप्स द्वारा है, दो है मतलब तीन है पूरे अनुपात चेंज करने वाले जो अलग सा जो पर ऐसे वो नहीं है कि भैया कौन कौन बी से कह रहे, कौन सी से कह रहे, मतलब कौन उमर से कह रहे, लेकिन एक ही है जो ऐसा। आपको मैं बता दें अब ई के आपका सबसे पहले का सोचने हैं, क्वेश्चन पढ़ा मेरे को कोण एक अन्य सभी त्रिकोण विधि अनुपातों को सह पहले पद तो पहुंच जाएगी कि कोण त्रिकोण त्रिकोण विधि अनुपात का त्रिकोण विधि में समकोण त्रिभुज के तीन कोण के अनुपात बहुत मतलब भुजाएं होती है उनके अनुपात, तो उनकी भुजाओं के अनुपात हमने बताया कि आप हम कितने पूरे 6 हो अपन भुजाओं को उलट पलट के अनुपात में लिख सकते हैं। उनके त्रिकोण विधि अनुपात नाम रखते हैं कौन से अनुपात जिनके त्रिकोण विधि अनुपात की बोले जाए, जो त्रिभुज के जो सहक है तो साइन जिस सहक अनुपात इसका पूरा नाम अनुपात लिखा, मतलब सहक का एक अनुपात है, कौन सी भुजाओं का अनुपात है। आधार बटे कर्ण चार आधार बटे कर्ण कर्ण बटे आधार कॉस ये हो कॉस होता है आधार बटे कर्ण और सह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ऐसे होता ना। तो अब आपको इसके अनुपात पता करना, पहले कोण ए के अनुपात देख लेना, कोण ए के अन्य अनुपात देख लेना, कोण ए के अन्य त्रिकोण विधि कोण ए के अन्य त्रिकोण विधि अनुपात जितने हो पूरे लिखे, 6 हो 6 ले 6 के बाद एक लिखो ही है इतने लिखने, 6 अन्य त्रिकोण विधि अनुपात अन्य त्रिकोण विधि अनुपात कौन कौन से हो भैया लिख लो। सुख तो पहला साइन है, मतलब कोण में ए भाव चाहिए कितना कोण बदल दो, कोण सी भाव चाहिए कोण ए भाव चाहिए, साधारण में ए कोण भाव चाहिए, सेक ई में साइन कॉस कॉसेक टेन कॉट ए, देखो कितने होगा 1 2 3 4 5 ये भुजाओं के अनुपात के नाम लिखे हैं, एक का नाम एक भुजा का अनुपात साइन ए खुला था, दूसरे का कॉस ए, दूसरे से टेन ए कॉट, जो भुजाओं के अनुपात के नाम पूरे भुजाओं का अनुपात मतलब बटे में लिख सकते हैं, 6 तीन भुजाओं तीन को उलट पलट के उलट के पलट के बटे में कर सकते 6 लिख सकते हैं, पूरे पूरे 6 होते तो एक दल को ही इनको ई पांच ने कहा हमने इसमें बनाना, मतलब इस पांचों को इस ऐसा बनाना, साइन को अपन जो बनाना सेक बनाना, कॉस को भी सेक बनाना, कॉसेक को भी सेक बनाना, टेन को भी सेक बनाना, कॉट का भी सेक बनाना। तो पहले दिमाग में सोचो कि अपन सहसंख्या होती है, हाँ जब सहसंख्या यहाँ तभी जी बन यहाँ पर, अगर तुम्हें सहसंख्या ध्यान दीजिए तो तुम्हें पता हो कि अगर कॉस है सेक में कैसे साइन है तुम ऐसे बना नहीं सकते, कॉस है बताओ कॉस है बना दो, हाँ तुमको ध्यान होगी कॉस वाले सहसंख्या कैसी होती है, कॉस में सहसंख्या कैसी होती है, कॉस बराबर 1/सेक होते हैं, कॉस को सेक कैसे तो बना सकते हैं सहसंख्या से लिख देंगे, चूंकि चूंकि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर 1/सेक होता है, तो भैया जे लिख देना होता तो कॉस तो बदल गया। अब तुमने सोचा कि हमारा कॉस तो बदल गया, हाँ तुम्हारा कॉस तो बदल गया, हमने भी मान लिया कि हाँ कॉस तो बदल गया, लेकिन एक बात सोचो तुम्हारे दिमाग में फिर गई यहाँ उठी कि अगर कॉस साइन कॉस भी एक शासन का रात अपन आपको चल पापा तक मतलब साइन निकालने से कॉस वहां पक्ष अंतर कर देगी, सो फिर अपन कॉस को मान रखते हैं जहां से उससे सेक आ जाए, तो क्या करें एक साइन कॉस की शासन का रात है कौन सी रात, तो पुनः लिखें पुनः चूंकि कौन सी हो साइन स्क्वायर बराबर हो साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉज स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, हमें चाहे साइन तुम्हारा साइन का बदल साइन चाहे तो साइन रखेंगे जाए कितना ही है, और इसको कॉज को इधर साइन पक्षांत करेंगे वन माइनस के कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा ठीक है, और कॉज की जगह पर हाँ जी वाला मान कॉज को मान रखते हो तो 1/सेक रखू वन माइनस कॉस को मान के तो 1/सेक रख देने,
अब इतने कोस इतने एक बटा सेक को क्या हो जाए नेचर स्क्वायर का से स्क्वायर लगी तो सेक स्क्वायर ही हो जाए। एक को स्क्वायर करो एक नहीं है सेक को करो सेक स्क्वायर ही हो जाए। अब इतने की फैन बन जाए सुखा करो सेक इतने त्रिक बना फैन कर दीजिए ना ऊपर का जो बना त्रिक तो सेक स्क्वायर ए माइनस को बन बटे में सेक स्क्वायर ए ऐसा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर बराबर ए साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा। अब तुम सोचो जो तो हो जाए अब साइन को इतने स्क्वायर हटा दें अगर साइन को स्क्वायर के साथ कहीं पे आ जाए पूरे का तो साइन है बराबर तो जो साइन अपना चांद तो साइन में है चांद साइन है तो साइन चांद तो साइन बनाने से स्क्वायर हटा देंगे को तो ना इस वाले में पूरे का रूम चढ़ जाए है तो बात यह कहते हो सेक स्क्वायर ए माइनस के वन बटे में सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सोचना कि जिस सेक स्क्वायर इतने स्क्वायर और माइनस के बाद इसमें से घटेगा अभी एक इसका इसमें दो है पद इसके ना घटेगा मतलब इसमें घट रहा है कुछ इसमें दो पद है इसका स्क्वायर घटेगा जी तो अकेला के स्क्वायर लेता तो अकेले के स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा मतलब इसका रूट हट जाएगा नीचे का ऊपर चला रहेगा क्योंकि ऊपर तो दो पद है दो का थोड़ी ऐसे हटेगा तो दोनों को एक बनाएंगे तभी घटेंगे फिर जुड़ेंगे घटेंगे यानी कि तो एक तो सेक स्क्वायर ए माइनस के वन यहाँ पर रूट जाएगा नीचे का रूट हट जाएगा तुम्हारा कितना जाएगा सेक हो जाएगा तो साइन ए बराबर के तो एक बटे सेक स्क्वायर साइन ए बराबर के तो रूट सेक स्क्वायर माइनस के वन और सेक ए बटे में कितना सेक एक तो जो तुम्हारा साइन को चेंज हुआ साइन का में बदल गया सेक स्क्वायर माइनस के वन बटे में सेक बदल गया। अब तुमने सोचा है क्या सोचा अब sec sin का तो उल्टा cos होता है sin का उल्टा क्या होता है cos sec होता है सॉरी sin का उल्टा कितना होता है cos sec तो आपको cos sec सीधा निकालना है cos sec के बराबर cos sec बराबर का होता है 1 बटा sin क्या होता है sin है तो तुमने sin का मान निकालो तो यहां पर रख दो sin का मान कितना नीचे पूरा रख दो के रूट sec स्क्वायर a बटे में sec a सेक ही। अब भैया जी इसके बटे में एक मानोगे तो जो ऊपर आ जाएगा सेक पलट जाएगा तो सेक ही ऊपर आ जाएगा नीचे रूट वाला आ जाएगा तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का वन जाएगा कहते हैं ठीक है जी सेक स्क्वायर ए जाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का वन जी जाएंगे कहते हैं जी तुम्हारा कोसेक आ गया कोसेक को भैया का बदल दिया देखो कोसेक से तुम्हारा सेक ए और सेक स्क्वायर मान लो कोसेक भी पूरा सेक में है कहीं और कुछ तो है नहीं पूरे में कोसेक के मान का दिख रहा सेक सेक दिख रहा। अब तुम साइन के में भी देखो तो पूरे में सेक रहा साइन ए में देखो कॉस के में पूरे में सेक है आपके एक और बचा हम लगा आपके कौन कौन साइन होगा कॉस होगा कोसेक टेन हो जाएगा टेन बस रहेगा तो टेन का बदल दो टेन का तो वैसे भी सेक तुमको टेन का पता है टेन की एक संख्या होती है कैसे टेन की होती है टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a बराबर उत्तम वन प्लस के टेन स्क्वायर जस शासन का होती होती ना जस शासन का होती है अपना टेन जाना है तो भैया यहाँ ले आएंगे वन प्लस के टेन यहाँ इस साइड ले आएंगे वन प्लस के टेन स्क्वायर बराबर में sec स्क्वायर कर देंगे या लिख दिया ऐसा अपन टेन चाहिए तो एक को पक्षांतर कर देंगे टेन स्क्वायर a और sec स्क्वायर a माइनस का वन हो जाएगा मुझे टेन का स्क्वायर बिल्कुल सच्चाई सिर्फ क्या टेन देख रहे हो टेन सान है तो टेन का पक्षांतर कर रहे टेन ही तो सेक स्क्वायर ए माइनस को वन आ जाए रूट तो इस पर कितना आ जाएगा रूट ठीक है आ जाएगा तो टेन बराबर कितना आ जाएगा टेन बराबर सेक स्क्वायर माइनस के वन जेड आ जाएगा वो हवा कॉट की कितनी आ जाएगी कॉट कॉट होता है टेन का होता है कॉट बराबर कितना होता है एक बटा टेन ही होता है टेन तो टेन का मान निकाल दे तो एक बटा टेन का मान रख देंगे कितना था सेक स्क्वायर ए माइनस का वन ठीक है सेक स्क्वायर ए माइनस का वन कॉट किया जाएगा पांच चेंज हो गए ना भैया देखो बट साइन तुम्हारा एक चेंज हो जाता तो दूसरा उसके उल्टे से करा था टेन हुआ तो टेन का उल्टा कॉट होता तो इसको उल्टा कर दिया सेक स्क्वायर माइनस का वन एक बटा सेक स्क्वायर जे सेक स्क्वायर माइनस वन था रूट के सेक स्क्वायर इसको उल्टा कर दो सेक बटा रूट के सेक स्क्वायर वन को होगा। अगर तुम्हें ऐसा ध्यान ना रहा टेन को निकाल भी तो भैया के कारण दूसरी सहसंख्या होती है टेन ही बराबर एक ऐसी सहसंख्या होती है टेन बराबर क्या होती है साइन बटा कॉस क्या होती है साइन बटा कॉस तो साइन का मान तुम देखो क्या साइन का मान
साइन का मान कितना रूट रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के वन बटे में कितना है सेक ए। अब इसका मान कितना है भैया, कोच का कितना है, कोच का एक बटा सेक ए, कितना है एक बटे सेक ए, चेक सेक ए एक बटे सेक ए। तो या तो तुम बोलोगे इसके बटे का बटे कट जाएगा, जी बटे का बटे कट जाएगा, सेम है बटे में बटे तो कट जाएगा एक, अब इतना कितना जाएगा ऊपर रूट का रूट बार सेक स्क्वायर, जी नहीं बताएंगे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का वन आ जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए माइनस का वन रूट बस ऊपर बस का बचा, नीचे एक बचा तो एक कवर लगाए, इसके बटे में एक लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका एक हटा देंगे बटे का सीधा कितना जाएगा आपका टेन बराबर इतना। अगर नहीं है तो कॉस को कहते हो कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन मान रखे दो साइन कॉस के, तो फिर आपको नहीं देते वैसे ही आ जाएगा, लगा सकते हैं आप कोई भी तरीका नौ चार जैसे लगाओ बस आएगा आंसर वैसा ही, जैसा आप चाहे तो वैसा ही आना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।